खाली झूठा रूप लगा दी, फिर थोड़ा ये धर्म के पुट देकर राजनीति करना चाहते हैं और इनके नेता बाहर जाते हैं वो भी ये काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है घबराए हुए हैं। पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना है, क्योंकि इतने काम हुए, घर घर काम पहुँच गए। और हमने कहा है ये जनगणना नीचे जो हमारी है आगे भी जारी रहेगी, हमारे आगे भी हम लोग जो स्कीम बनाई है और नई स्कीम लेके आएंगे, स्कीम बन गई और मजबूत करेंगे। नौकरी हमने दी, 3 लाख नौकरी दी है हिंदुस्तान में, कितने राज्यों ने दी है। पेपर लीक की बात करते हैं, पेपर लीक के लिए हमने आजीवन कारावास का कानून बना दिया, कितने राज्यों ने बनाया देश के अंदर, किसी ने नहीं बनाया, हमने बनाया है। उसके बाद कोई पेपर लीक आउट नहीं हुआ, पेपर लीक तो गुजरात में भी हुए हैं, यूपी में भी हुए, मध्य प्रदेश में हुए, सब जगह आर्मी में हुए हैं, जुडिशी में हुए हैं, और हमने कार्रवाई करी, बाकी राज्य कार्रवाई नहीं करते। पिछली गवर्नमेंट राजस्थान जो थी उस वक्त भी पेपर लीक हुए थे, उस चर्चा में आई नहीं, पेपर लीक वाले भी भर्ती हो गए, सब भर्ती हो गए थे, हमने तो बाकायदा कार्रवाई करी। राजनीति का फर्क हमारे अप्रोच में उनकी अप्रोच का, आप निश्चिंत रहें इस बार माहौल कांग्रेस पक्ष में, सरकार कांग्रेस रिपीट होने जा रही है। सर बीजेपी के तमाम नेता आ रहे हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, स्मृति ईरानी हो, क्या कुछ कहेंगे सर, घबराए हुए? ये कुछ नहीं कहेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, गांधी परिवार की बात करेंगे। इनको पूरे गांधी परिवार का 30 साल से कोई आदमी ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, मनमोहन सिंह नहीं बना दिया, इस परिवार का कोई आदमी कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बना, 30 साल से बिना पद के ये परिवार रह रहा है देश के अंदर, खाली कांग्रेस पार्टी को संभाल रहा है, उनकी नीतियों को, कार्यक्रमों को, सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है, उससे इनके पेट में दर्द क्यों होता है, ये मेरी समझ के परे है। उनको टारगेट क्यों करते हैं, टारगेट हमें करें, हम फील्ड में काम करते हैं, वो नहीं करेंगे। गांधी परिवार, इतना डर क्यों सता था उनको इस परिवार से, इसका मतलब इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, पार्टी के अंदर, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के, सभी भाषा बोलने वाले लोगों के, पूरे देश के अंदर हर गांव में गांधी परिवार जानते हैं, उनकी पहचान है, उनका त्याग बलिदान है, इंदिरा गांधी शहीद हो गई थी, राजीव गांधी शहीद हो गए और देश को एक अखंड रखा, इतनी को तकलीफ होती है। सर कांग्रेस की गारंटी से घबराहट क्यों है सर? स्वाभाविक है, शानदार गारंटी है, और जो गारंटी दी मैंने महंगाईदार शिविरों में वो लागू हो गई, इसलिए और ज़्यादा विश्वास जम गया जनता को, इस सरकार कहती वो करती है, इसलिए कम घबराए। सर गहलोत साहब जल्दी आए, सर गहलोत साहब ऐसी योजनाएं गारंटी कहां से लाते हैं? सर गहलोत साहब ऐसी योजनाएं गारंटी कहां से लेके आते हैं, ओपीएस हो या सर ये सब कुछ हो? अरे जनमानस क्या चाहता है, अगर नर्स पे हाथ हो जनता के तो सत्य ही फिर नई नई योजनाएं निकलती है, नए नए आइडिया आते हैं, अगर आप दिल साफ हो तो नए आइडिया सत्य आ जाते हैं, अगर आप कमिटमेंट हो जनता के साथ में, गरीबों के साथ में, दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, आर्थिक पिछड़ा लोगों के लिए भी हमने जो काम किया है, सारी संपत्ति के जो उन पाबंदियाँ हटा दी मैंने, उससे उनको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, आज सबसे अधिक सर्टिफिकेट राजस्थान मिल रहे हैं देश के अंदर, EWS के, क्योंकि सारी शर्तें हटा दी हम लोगों ने, तो जो काम उन्होंने हाथ में लिया वो करके दिखाया, ये मैं कह सकता हूँ। सर सोनिया जी आ रही हैं क्या, उनका भी मार्गदर्शन लेंगे सर? सोनिया जी आ रही हैं तो उनका भी मार्गदर्शन लेंगे? सोनिया जी आइए, थोड़ा उनका मार्गदर्शन मिल, उनसे मुलाकात हो गई, मार्गदर्शन ले लिया मैं, जो खाते ही दिन आई थी उसी दिन मैंने मुलाकात करके उनका आशीर्वाद भी ले लिया, उनका मार्गदर्शन ले लिया, और इस बात का असर मैं रहता हमेशा कि 25 साल पहले जब सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, पहला फैसला उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का किया 98 में, इस बात का असर मुझे है।